अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, तो जी पूरी देखनी है, लाइक करना है मेरी वीडियो को, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, और बस जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी गाइस, तो मेरे हो रहे हैं पेपर जो कि एकेडमी में मंथली टेस्ट होते हैं ना, वो हो रहे हैं तैयारी के लिए। तो पहले दिन था जुमेरात को स्टार्ट हुआ था, पहला था इंग्लिश का और मैथ का, सेकेंड था बायोलॉजी का उसके अगले दिन, और फिर था केमिस्ट्री का। फिजिक्स का हमने दिया नहीं था क्योंकि फिजिक्स का 6 चैप्टर था और हम लोग ने 6 तक स्टार्ट किया था एकेडमी में जाकर। तो जी ये है बायोलॉजी का पेपर, क्योंकि मैथ का पेपर भी साथ हम लोगों ने दे दिया था और इंग्लिश का भी दे दिया था। ये बायोलॉजी का है और मेरे पास अब केमिस्ट्री का है। कहता है कि राइट द बेसिक स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड एंड डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स इन डिटेल विद एग्जाम्पल। ये वाला तो मुझे अच्छे तरीके से आता था, मैंने कर लिया, नहीं उर्दू भी दी हुई। तो उसके बाद सवाल था डिफाइन बायोलॉजिकल मेथड, ये सेकंड था, मतलब फर्स्ट वाला लॉन्ग दिया था सर ने, सेकंड वाला शॉर्ट दिया था। उसके बाद था सवाल कि अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम, व्हाट इज़ द वेज ऑफ 1 लीटर ऑफ एथेनॉल। तो इसका जवाब था 789 ग्राम्स, और मेरी क्लास की जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, मेरी सिस्टर ने भी रॉन्ग लिखा था उसका आंसर, और उन्होंने भी ये रॉन्ग लिखा था आंसर, लेकिन मैंने बिल्कुल इसका रट्टा लगाया हुआ था कि नहीं, इसका 789 ही आंसर है। तो मुझे इस तरीके से याद था, मैंने लिख दिया 789 इसका आंसर था, उन्होंने सिर्फ इसका पूछा था, लेकिन मैंने दोनों का लिख दिया था कि थोड़ा सा सवाल का जवाब हमारा लंबा हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, 9m विच स्लोप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड द लॉजिक 9f एंड देन इज यूज। ये सवाल इतनी बार पढ़ा लेकिन दिमाग में समझ नहीं आया कि इसका जवाब क्या, छोड़ दिया। फिर मैंने कहा जरूर लिखना है जवाब जब गलती हो। उसके बाद था सवाल कि राइट द नेम ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज कंसीडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट देन। ये भी बहुत ईजी था, इसका भी जवाब मैंने लिख दिया, व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब ये लास्ट क्वेश्चन में मैं थी, मैं अटक गई यहाँ पर, मुझे स्टार्ट ही नहीं याद आ रहा इसका। स्टार्ट याद करती रही, पेपर देने में सिर्फ 5 मिनट आ गए थे, तब मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो पड़े। और व्हाट इज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ये मैंने याद नहीं किया था, लेकिन सर ने कहा था कि ये आप लोग ना रिवाइज कर लो, लाइक 2-2, 3-3 लाइन्स आप इसकी याद कर लें, शायद ये पेपर में हो ना, मतलब बताया नहीं, लेकिन सर ने ना गैस दे दिया। फिर हम लोगों ने 2-3 लाइन्स याद कर ली थी और ये पेपर में सबसे एंड से आया था, फिर मैंने लिख दी थी। और इंग्लिश में सबसे ज्यादा लगाया जाए ना, तो सबसे ज्यादा बड़ा और लंबा पेपर बायोलॉजी का था, और ईजी भी बहुत था, बहुत ईजी था पेपर इंग्लिश, सॉरी बायोलॉजी का पेपर। कुल नंबर थे इसके 25, अब मेरे अच्छे आएंगे क्योंकि मैंने बहुत लिखा था अपने, मतलब अच्छा दे के आई हूँ पेपर। तो जी ये था केमिस्ट्री का पेपर, बिल्कुल छोटा सा था, क्योंकि अगर बायोलॉजी पे देखा जाए ना तो बायोलॉजी का तो बहुत बड़ा था और केमिस्ट्री का तो फिर भी बहुत छोटा था। जी केमिस्ट्री का पेपर है, 9th क्लास में हूँ मैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था राइट द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सेकंड था डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, एंड थर्ड था डिफरेंट बिटवीन शेल एंड सबशेल, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 5 शॉर्ट थे आंसर और लॉन्ग 1 था, लॉन्ग 2 थे सॉरी, राइट दी एटॉमिक थ्योरी था और दूसरे वाला था राइट दी डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। तो जितना मैंने लाइक ना याद किया था ना केमिस्ट्री का, उसमें से कुछ भी नहीं आया और मैं देख रही थी कि मैं लिखूँ क्या। तो जो क्वेश्चन मुझे आते थे वो मैंने उसके बाद जी गाइस, मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना माइक, जिस माइक का लेने का मुझे बहुत शौक था, मुझे नाते पढ़ने का बहुत शौक है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे शौक था कि मैं माइक लूँ और माइक में नाते पढ़ूँ। तो चलिए इसको खोलते हैं। खोलने के बाद जी किस तरह का बॉक्स आता है सामने, बिल्कुल प्लेन बॉक्स, यहाँ से इसको ओपन करेंगे इस साइड से। तो ये जी हमारा माइक आ जाता है सामने। अच्छा जी, तो अब सबसे पहले इन्होंने एक ही साथ पर्ची दी हुई है, जिसके अंदर एक साइड पे लिखी हुई है चाइनीज, एज यू गाइस कैन सी दैट, अब चाइनीज तो हमें समझ नहीं आने वाली, और जी एक साइड पे दी हुई है इंग्लिश, किसको यूज़ कैसे करना है, इसको चार्ज भी लगाना है, और हर चीज़ उसके ऊपर लिखी हुई है। चले जी अब माइक हम करते हैं अनबॉक्स। तो जी फ्रंट एरिया कुछ इस तरह का है इसका, ये देखिए मैं ज़रा पास ले जाती हूँ ताकि फोकस हो कैमरे पे, और यहाँ पर जी लिखा हुआ है कि सिंग सॉन्ग्स, सेल्फी भी ले सकते हैं ऐसे हैं, इसके अंदर USB डिवाइसेस, TF कार्ड और रिकॉर्ड सॉन्ग्स, ये सब कुछ इसके ऊपर दिया हुआ है। और साइड पे इन्होंने सारा दिया हुआ है कैसे प्ले करना है, कैसे इसको ऑफ़ करना है, इसकी वॉल्यूम कैसे कम करनी है, तेज़ कैसे करनी है, इसको ऑफ कैसे करना है। और मज़े की बात है कि इस माइक को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हो
तो आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और इसके अंदर जो कलर्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। कलर जी इसके अंदर हैं गोल्ड, ब्लैक, सिल्वर और रोज़ गोल्ड है, और ब्लू और पिंक। जो मेरे पास है वो है सिल्वर, ये देखें जी। तो इसकी जो फ्रंट पैकेजिंग है वो इस तरह की है, ये देखें जी। तो इन दो चीज़ों को मैं इसके अंदर रख देती हूँ, इन तीन चीज़ों को। अब जी माइक की डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए जी ये माइक, इन्होंने माइक के अंदर बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, मुझे बहुत पसंद आया माइक। तो इसके अंदर जो इन्होंने फंक्शंस दिए हुए इनमें से एक है प्रेस का, एक है स्केन का, एक है वॉल्यूम। यहाँ से वॉल्यूम तेज़ होता है और हल्का होता है। यहाँ से नेक्स्ट का मैंने क्योंकि चलाया नहीं, क्योंकि ये परसों आया और कल मेरा पेपर था, इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया। और ये रिकॉर्डिंग, यहाँ से रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है अगर आप लोग कोई चीज़ रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। उसके अलावा ये वॉल्यूम तेज़ और हल्की करने का है। यहाँ से जो ये वॉल्यूम बिल्कुल एंड पे है इस वक्त, यहाँ से मैं फुल तेज़ कर लूँगी तो फुल तेज़ वॉल्यूम हो जाएगी। उसके बाद जी ये रीमिक्स है, काफ़ी फंक्शन जो इसके अंदर उसके मुझे नहीं पता, और ये सिल्वर कलर में है। उसके बाद ये जो नीचे चीज़ें बनी हुई है ना, तो इनके अंदर अब ये चार्जर का है, एक जी है TF लिखा हुआ है, एक USB का, एक रिकॉर्ड का ऑप्शन है, एक AUX और 5V, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं माइक में। एज यू गाइस कैन सी दैट इसकी ऊपर वाली चीज़ बहुत प्यारी है। अच्छा मैं इसको ऑन करने का तरीका बताऊँ, ये जो आगे बटन लगा हुआ है ना, इसको हम जी ऐसे करेंगे, लाइन इन, ये देखिए जी ये हमारी इंग्रेजन एंटी बोली। मैंने रिमिक्स का ऑप्शन दिया हुआ ना, इसकी मुझे जब तक समझ नहीं है, इसको फुल ऑन करके अब मैं बोलती हूँ इसके ऊपर अस्सलामुअलैकुम। मुझे लगता है ये जो रिमिक्स का ऑप्शन है ना, ये आवाज़ को डबल करने के लिए है। चलिए जी अब बोलती हूँ अस्सलामुअलैकुम। ये रिमिक्स का मैंने ऑप्शन बंद किया है ना, जैसे ही तो मेरी आवाज़ जो है ना बिल्कुल, मैंने रिमिक्स का ऑप्शन बिल्कुल एंड तक किया, मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं किसी माइक के अंदर बोल रही हूँ। कमरे के अंदर बैठे इसको ऑन करके बोल रहे हो ना, तो मैंने कल ही सारा देखा है कि हम कमरे के अंदर बैठ के बोल रहे हैं और बाहर गेट तक साफ आवाज़ जा रही होती है उसकी। तो जी मैं बोलती हूँ अस्सलामुअलैकुम, मैं आवाज़ थोड़ी कर लेती हूँ, लोगों ने कहना पता नहीं कौन अस्सलामुअलैकुम करी जाती है। ये देखिए जी ये फोकस किस तरह का लगता है। मुझे बहुत सारे मार्क्स देखे हैं दराज पे, लेकिन उनमें से बहुत सारे के उन्होंने पिक्स लगाई होती हैं बकायदा, लेकिन उनमें मैंने इतने ऑप्शन नहीं देखे। ये लाहौर से लिया था मुझे, होलसेल मार्केट से। प्राइस आप लोगों ने बतानी है, प्राइस नहीं बतानी मैंने, ठीक है? प्राइस आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बतानी है। इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि इसके अंदर हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, हम इसको मोबाइल टीवी के अंदर अटैच भी कर सकते हैं ज़्यादा आवाज़ के लिए। तो मुझे तो ये बहुत पसंद आया, एब्सोल्युटली आई लव इट, एंड मुझे माशाल्लाह बहुत पसंद आया। अभी ऑन ही है, ये देखिए इसके अंदर अभी ना ये ग्रीन लाइट, ये देखिए ग्रीन लाइट चल रही है, ये देखिए जी ये ग्रीन लाइट चल रही है। तो जी ये देखिए जी, इसको तो मुझे रखने का दिल नहीं कर रहा। तो मैं कुछ और बोलती हूँ, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही मज़े का आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी मैं इसको ऑफ़ करने लगी हूँ। अच्छा ऑफ़ करने का भी तरीका वही है सेम, यहाँ पर जी ये वाला है जहाँ से ऑन करना है, ये वाला यहाँ से ऑफ़ करना है, बाकी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको जी यहाँ से मैं करने लगी हूँ ऑफ़। ये देखें जी ये आंटी बोली हमारी पावर ऑफ, ऑफ कर दिया। ये थी हमारी सारी लुक, माइक की ओवरऑल लुक सिल्वर कलर में है ये। लेकिन माइक के अंदर अगर आप लोगों ने किसी ने लेना है ना, तो मैं प्राइस मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आप लोगों ने मुझे बतानी है, ठीक है? बाद में भी जब आप लोग मुझे बता देंगे ना, तो बाद में मैं एडिट करके वीडियो दोबारा से ना लाइक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोबारा से एडिट कर दूंगी। इसके अंदर जो कलर्स अवेलेबल है ना, वो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब किसी और पास आप लोग जाएंगे किसी और सिटी में लेने के लिए, तो शायद हो सकता है और भी कलर अवेलेबल हो, लेकिन इस बॉक्स के ऊपर इन्होंने जो कलर्स मेंशन किए हुए हैं वो है गोल्ड। मैंने जब लाइक मैं गाँव गई थी ना, वहाँ पर मिला था मेरी नानी के घर, तब मैंने लाइक गोल्ड कलर के माइक के अंदर मिलाद करवाया था मैंने और मेरी सिस्टर, कहने लगी मेरी फ्रेंड महविश ने। तो इसके अंदर एक गोल्ड कलर है, और गोल्ड कलर होता ना अगर ये, तो बिल्कुल ऐसे फीलिंग आती है जैसे सोना पकड़ा हुआ है। तो सिल्वर कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। उसके अलावा इसके अंदर ब्लैक कलर भी अवेलेबल है इन लोगों के पास, रोज़ गोल्ड भी है, ब्लू भी और पिंक भी है। ब्लू और पिंक थोड़े अजीब लग रहे थे अंदर, आजकल मैंने कोई माइक नहीं देखा, और माइक आई थिंक इस तरह के कलर्स नहीं मज़े के लगते हैं। और ये जो है ये है वायरलेस माइक्रोफोन हाईफाई स्पीकर, ठीक है जी। तो ये था हमारा माइक जिसकी मैंने अनबॉक्सिंग किया आप लोग के सामने। ओपन हमने इसको पहले ही कर लिया था, लेकिन मैंने कहा था चलो मैं इसकी एक वीडियो बनाऊंगी, व्लॉग बना दूंगी, जो कि डेली रूटीन लाइफ होता है उसके अंदर मैं शेयर कर दूंगी। तो बहुत मज़े का आई है। इसके अंदर उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें मैंशन की हुई हैं साइड पर, जो मैंने आप लोग को बताया। अच्छा अब इस चीज़ की बात करते हैं कि
जो मैंने आप लोग को चीज़ें बताई हैं ना, नाम ले लेके कि जी ये प्रिव क्या है इसका मुझे नहीं पता, रेमिक्स का नहीं मुझे पता, वॉल्यूम का पता, रिकॉर्ड का पता, नेक्स्ट का नहीं पता, और जी दो तीन ऑप्शन है जो कि इन्होंने माइक में दिए हुए हैं, इनका मुझे नहीं पता कि इनका क्या हो रहा है। तो जी यहाँ से बॉक्स से पढ़ते हैं। सबसे पहले जो स्कैन का ऑप्शन है ना इन्होंने दिया हुआ है, स्कैन के ऑप्शन के उन्होंने कहा है कि प्ले और पॉज करने के लिए, रोकने और चलाने के लिए। प्रेव का ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है सेल्फी लेने के लिए। प्रेव का ऑप्शन जी फर्स्ट पे प्रेव का ऑप्शन है, ये देखिए जी सेल्फी लेने के लिए है। उसके बाद जी वॉल्यूम का है इंक्रीज वॉल्यूम, और नेक्स्ट सेल्फी वो हो गया। उसके बाद माइक है, माइक जो इसके अंदर ऑप्शन है, माइक ऑप्शन हमारे नहीं है तो ये रिप्ले का ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम का है तेज़ करने का ऑप्शन। आप लोगों के साथ सारी डिटेल्स शेयर कर दी, और जितना जितना मुझे समझ आता जाएगा और आप लोगों के साथ भी ब्लॉग्स में शेयर करती रहूँगी मैं, ठीक है जी। तो एक बार और गेम देख लें, अगर आप लोगों ने लेना तो इसकी तस्वीर तस्वीर ले लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए, बिकॉज जब मैंने नहीं लिया था मुझे कोई आइडिया नहीं था किस तरह का आएगा। अब मैं इसको दोबारा से रखने लगी हूँ अंदर। अच्छा ये जो इन्होंने चिट बनाई हुई है ना, ये बहुत काम आएगी, इसके अंदर से आपको पता लग जाएगा कि लाइक कैसे करना है। ये देखिए जी दोबारा हमने इसके अंदर रख दिया, और मैं जी इसको बंद करने लगी हूँ, अब रखने लगी हूँ। तो जी ये हमने कर लिया दोबारा से इसको पैक, और ये देखिए जी इसके ऊपर पीछे ये लिखा हुआ था सारा जो कि मैं आप लोग से वीडियो में शेयर कर रही थी। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आप लोग से अपना पेपर शेयर किया कि मेरा पेपर कैसा हुआ, और वो सब कुछ शेयर किया। तो अगर आप लोग आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर लाइक करना है इसको, कॉमेंट करना है एक मज़ेदार सा, इसकी प्राइस आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, तुक्का लगा के कि आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ आती है, कितनी प्राइस की हो सकती है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के और मज़ेदार से व्लॉग्स आते रहें, ठीक है। तो जी बस आज की वीडियो यहीं तक थी, एंड यस लाइक कर दें इस वीडियो को, अगेन बता रही हूँ कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। अगर आप लोग को मेरे ब्लॉग्स पसंद आते तो अपनी बहनों के साथ इसको लाजमी शेयर किया करें, और ठीक है जी। तो क्योंकि अभी हम लोग को 4000 वॉच टाइम और 1K सब्सक्राइबर्स आई थिंक कंप्लीट करने हैं फॉर मोनेटाइजेशन, तो आप लोगों ने इस जर्नी में मेरे साथ रहना इंशाल्लाह। तो जी मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, अगला व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, वो अगला व्लॉग जो है ना वो मैं एडिट कर रही हूँ बैठ के, तो आप लोगों ने वो लाजमी देखना है। एंड यस अल्लाह हाफिज़।